हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंग्लिश मीडियम फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स, और चैप्टर हमारा क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। देखिए, मैकेनिक्स का जो न्यूमेरिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें IIT JEE नीट के लिए, तो 11th क्लास में यदि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल कहीं से कवर होता है तो मैकेनिक्स के पोर्शंस होता है। दैट मीन्स मोशन, जो आगे कंटिन्यूस अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स करेंगे NCERT पर बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले NCERT क्वेश्चन करेंगे। NCERT में बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, और फर्स्ट चैप्टर जो मैं आपको करा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, उसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। आज पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकंड पार्ट में क्वेश्चन करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि ग्राफ पर और थ्योरी पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनको मैं टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट आंसर है उनके, और ग्राफ यहाँ ड्रा करने का मतलब नहीं है। तो मैं कम्प्लीटली आपको न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो वन बाई वन हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट मेरे बोर्ड में डिस्प्ले होगा, या बोर्ड से आप क्वेश्चन को पढ़िए, या आप NCERT की बुक को सामने रख के वीडियो को देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो होता है न्यूमेरिकल्स के लिए, वो है आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चैप्टर में जो फार्मूला डिराइव हुए हैं, जो फार्मूले आपने लर्न किए, वो अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, आपको कैलकुलेशन, जैसे यूनिट को चेंज करना, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना, ये सब आपको आना चाहिए। सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। एक बार दो बार पढ़ के आप ये डिसाइड करिए कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। इसके बेस पर आप फार्मूला आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा और आप उसको बना लेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला चैप्टर है न्यूमेरिकल्स का, थोड़ा पेशेंस के साथ और मेहनत करके आपको करना है। यदि आपने 11th क्लास में न्यूमेरिकल्स किया तो आपको 12th में बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट 11th क्लास में न्यूमेरिकल अवॉइड करते हैं, जिसके कारण बाद में बहुत परेशानी होती है, तो आप लोग उसको ध्यान से करिए। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3.4 स्टेटमेंट मैं रीड करूँगा, और आप लोग बोर्ड से भी पढ़िए। 3.4 क्वेश्चन नंबर, यहाँ स्टेटमेंट भी बोर्ड में डिस्प्ले है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। देखिए, यहाँ पर इस 3.4 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ड्रंक कार्ड है। ड्रंक कार्ड मतलब शराबी, ये शराबी है। सपोज ए पोजीशन से वो चलना स्टार्ट करता है, और उसके नेचर को क्या दिया हुआ है, शराबी के नेचर को दिया हुआ है कि वह 5 स्टेप आगे जाता है और 2 स्टेप पीछे आता है। ठीक है, 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप रिवर्स, 3 स्टेप रिवर्स होता है। जैसे शराबी लोग चलते हैं आगे पीछे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो 5 फॉरवर्ड 3 बैकवर्ड, दैट मीन्स 8 स्टेप। 8 स्टेप जब चलता है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 स्टेप में 1 मीटर चलता है वो। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ से वो स्टार्ट करता है, सपोज ये उसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करता है, और यहाँ से यहाँ तक बी जो पोजीशन है, इसका जो फाइनल पोजीशन है, सपोज मैंने उसको बी कंसिडर किया, यहाँ पर है एक गड्ढा है, यहाँ पर एक इस तरह से। अब ये ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 13 मीटर। 13 मीटर में एक गड्ढा है यहाँ पर। अब वो जाके उस गड्ढे में गिर जाता है, तो क्वेश्चन हमको पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम टेकन है, ये अपने को निकालना है। तो एक ग्राफिकल मेथड से भी बनेगा, बुक में ग्राफिकल मेथड भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको आपको अलग तरीके से समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन पर बेस्ड आपको समझा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट स्टार्टिंग में जब वो चलेगा, 1 2 3 4 5 फॉरवर्ड चलेगा और 3 बैकवर्ड, मतलब जब वो 8, ये मैं फिगर से समझा रहा हूँ आपको, ये इसका 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, और वह टाइम लेगा 8 सेकेंड। कैसे लेगा, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, 5 गया और 3 वापस आ गया, तो फाइनल 2, लेकिन टाइम तो 5 सेकंड जाने में लिया, 3 मिनट वापस आने में, तो 8 सेकंड लिया। ये फर्स्ट पोजीशन। अब यदि इस सेकंड पोजीशन पर वो पहुंचता है, आगे फिर चलना स्टार्ट करता है, तो फिर 2 मीटर होगा, और ये फिर कितना हो जाएगा, 8 सेकंड हो जाएगा, ये प्लस होते जाएंगे, ये क्लियर। अब कितना मीटर चल लिया, वो 2 मीटर चल लिया। फिर जब नेक्स्ट 2 मीटर चलेगा, वो ये फिर नेक्स्ट 2 मीटर चला, तब अगेन वो कितना लेगा, प्लस 8 सेकंड फिर लेगा वो, तो 2 2 4
टू सिक्स, सिक्स मीटर चल लिया वो, फिर अब आगे चलेगा फाइव, फाइव चलेगा और थ्री रिटर्न आएगा, ये टू मीटर होगा और उस टाइम में भी वो एट सेकंड लेगा क्योंकि हर टू मीटर में वो टाइम ले रहा है एट सेकंड। अब यहाँ पर आगे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, यहाँ ध्यान देना, टोटल कितना मीटर चल चुका वो, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, दैट मीन्स एट मीटर चल चुका वो, और 13 मीटर में ये गड्ढा है जिसमें वो गिर जाएगा। तो जब ये वो यहाँ पहुँचेगा, जब यहाँ पहुँचेगा दैट मीन्स 8 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुके रहेगा, तो आगे 5 मीटर फॉरवर्ड जाएगा वो, और जैसे ही ये 5 मीटर आगे जाएगा जाके गड्ढे में गिर जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा 5 मीटर ये करेगा और वापस नहीं आएगा वो, क्योंकि बाकी सब जगह वापस आ रहा था, और इस टाइम में फिर वो चूँकि 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कितना सेकंड लेगा वो 5 सेकंड का टाइम लेगा और गड्ढे में गिर जाएगा, रिटर्न आने के उसके पास चांस नहीं है। तो देयरफॉर टोटल टाइम टेकन, देखो बहुत आसान मेथड से मैं आपको बता दिया, टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस एस, ठीक है, 8 फोर जा 32 और प्लस 5 दैट मीन्स 37 सेकंड, 37 आफ्टर 37 सेकंड वो यहाँ पर जाके गिर जाएगा। इस तरह से आप इसको कॉमन लॉजिक से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर 8 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मीटर, 5 फॉरवर्ड 3 बैकवर्ड, फाइनल 2 मीटर एंड टाइम टेकन इज 8 सेकंड, 8 सेकंड प्लस 8 सेकंड प्लस 8 सेकंड प्लस 8 प्लस 5 सेकंड टोटल इज 37 सेकंड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि जब वो 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके रहेगा तो नेक्स्ट 5 फॉरवर्ड में वो गिर जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है, ये लॉजिक इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स का जो स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा है। आप इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल जब आप करेंगे एनसीईआरटी का तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन की कितनी अच्छी वैरायटी है। इसलिए मैं हर स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में 100% कमान होने के बाद फिर आप कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन पर जाएंगे तो कॉन्सेप्ट आपका इतना क्लियर हो चुका रहेगा कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन एक अच्छे कॉन्सेप्ट पर है, रेयर क्वेश्चन का कलेक्शन है इसमें। चलिए हो गया, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, एक्सप्लेन करके लिखना है तो इनवर्ड थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.5, क्वेश्चन नंबर 3.5, देखिए इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, स्टेटमेंट आप बुक से पढ़िए, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, ए जेट एयरप्लेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर आवर, इजेक्ट इस, देखिए 3.5 में आप स्टेटमेंट ध्यान से रीड करिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। अपने पास सपोज कोई जेट एयरप्लेन है, इस प्रकार से रॉकेट सपोज कर लो आप, और इसका जो जाने का अपवर्ड डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है जिसको मैंने वी आई कह दिया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज 500 किलोमीटर आवर इनवर्स, एंड द वेलोसिटी ऑफ गैस, इससे जो गैस इजेक्ट होता है, इससे जो गैस बाहर निकलता है जिसके कारण वो ऊपर जाता है, इसका वेलोसिटी, इसको हमने कह दिया वी जी इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है 1500 किलोमीटर इनवर्स। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक ऑब्जर्वर स्टैंडिंग कंडीशन में खड़ा है, ये ऑब्जर्वर है जो बाहर खड़ा है, इसका वेलोसिटी वी नॉट दैट इज जीरो क्योंकि रेस्ट कंडीशन में है। ये थ्री वेलोसिटी आपको दिख रहा है, एक अपवर्ड, क्लियर, एक डाउनवर्ड वेलोसिटी है, इसका डायरेक्शन नीचे है, इसका ऊपर है, और ये रेस्ट कंडीशन में है। अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना, ये ओरल आंसर पर बेस्ड है क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, ओरल है बिल्कुल इसका आंसर। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट और फ्लाइट, कुछ भी कर सकते हो आप, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आई माइनस वी नॉट दैट इक्वल 500 माइनस जीरो दैट इक्वल 500 किलोमीटर पर आवर, कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये। एंड सेकंड पार्ट इज रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू गैस,
जो गैस बाहर निकलता है उसके रेस्पेक्ट में निकालें तो कितना हो जाएगा, अब उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो वी नॉट माइनस वी जी दैट इक्वल जीरो माइनस ये 1500 इक्वल टू माइनस 1500 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। क्यों माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट है, आप इसको प्लस लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। अब हमको निकालना है दोनों के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट एंड गैस, दोनों के रेस्पेक्ट में क्या होगा, दैट इक्वल हो जाएगा वी नॉट माइनस 1500 डाउनवर्ड एंड 500 अपवर्ड, दैट इक्वल जीरो माइनस जीरो और माइनस यहाँ पर कितना आ गया 1000, दैट इक्वल माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर, ये है दोनों के रेस्पेक्ट में। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ऐसे टाइम पास क्वेश्चन है, सिर्फ आपको रिलेटिव वेलोसिटी का ऑब्जर्वेशन यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि कब अपवर्ड है कब डाउनवर्ड है और कब क्या है उसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, ओरल आंसर दे सकते हैं इसका अपन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। शुरू के एक दो क्वेश्चन इसी तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट आप रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 6 इज ए कार मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड ऑफ 126 किमी पर आवर इज ब्रॉट टू ए स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार। देखो 3.6 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें यूज होगा। कार की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ कार इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज 126 किलोमीटर पर आवर, आवर इनवर्स। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान रखना कि किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, यूनिट चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। ये मैं नोट आपको बता रहा हूँ, दो नोट, ये नोट आपको नोट करके रखना। फर्स्ट ये कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18, मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये ध्यान रखना 5/18 का मल्टीप्लाई करने से किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। और प्रायः जो डेटा देता है हमको एग्जाम में, जो डेटा देता है वो बिल्कुल फिक्स देता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ज़्यादातर पूछा जाता है 7.2 किलोमीटर पर आवर, फिक्स डेटा है ये, हम लोग को याद हो चुका है, डायरेक्ट उसको पुटअप कर देते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको भी याद हो जाएगा। मैक्सिमम न्यूमेरिकल में आपको 7.2 मिलेगा, उसका रीजन क्या है कि 7.2 में आप 5/18 मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ में कैंसिल होगा 18.4 जा, और ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, मतलब डेटा ऐसा देगा जो इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देता है 72 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम टाइम में मिलेगा तो हो जाएगा 20, जिसका अच्छा प्रैक्टिस होता है ओरल लिख देता है 720 देता है, बहुत क्वेश्चन में 720 कितना हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। 54 देता है, 54 किलोमीटर पर आवर ये देता है, तो आप करोगे 54/5/18 तो 3, ये कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ये 54 देगा, 36 देगा, यहाँ पर 126 दिया हुआ है, मतलब वेलोसिटी को ऐसा देता है कि वो प्रॉपर उसके साथ में सॉल्व हो जाए और इंटीजर वैल्यू मिले। तो टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड वी मल्टीप्लाई बाय 5/18, दिस इज फर्स्ट नोट, एंड सेकंड नोट इज जस्ट अपोजिट, सेकंड इज टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर, यदि आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो जस्ट अपोजिट क्या मल्टीप्लाई बाय 18/5, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस 18/5 मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आप कभी नहीं भूलना, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादातर हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। तो ये यूनिट कन्वर्ट करना आप कभी नहीं भूलना, अदरवाइज बहुत मिस्टेक होता है इसे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन के जो
यूनिट हैं सेम होना चाहिए और हम जनरली उसको एम के सिस्टम में बनाते हैं न्यूमेरिकल्स को, एसआई सिस्टम में। क्लियर? तो आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हम इसको चेंज कर दें अब तो क्या हो जाएगा, 126 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 जा तो ये कितना हो जाएगा 35 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पर भी प्रॉपर कैंसिल आउट हो गया, ये ऐसा होता है। फिर क्वेश्चन में दिया है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन आप रीड करिए बोर्ड से मेरे या बुक से पढ़िए कि आफ्टर 200 ट्रेवलिंग आफ्टर 200 मीटर इट विल बी इन रेस्ट कंडीशन। वो रेस्ट कंडीशन में आ जाता है और उसके लिए वो टाइम लेता है 50 सेकंड लेता है मेरे ख्याल से ना। कितना टाइम लेता है, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द एंड सो दैट इज टेकन। अच्छा अच्छा, टाइम तो निकालना है अपने को। तो 200 मीटर चलने के बाद रेस्ट कंडीशन में आ जाता है, दैट मीन्स इट्स फाइनल वेलोसिटी जीरो, देन व्हाट इज टाइम टेकन, कितना टाइम लेता है ये निकालना है अपने को। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डस इट टेक फॉर द, ठीक, कितने टाइम में रेस्ट में आ जाएगा बोलता है और हाउ लॉन्ग कितने टाइम में वो रेस्ट में आ जाएगा और उसका रिटार्डेशन कितना होगा, ये दो क्वेश्चन हमको यहाँ पर पूछा गया है। क्लियर? ये मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर एक कन्वर्सन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन एक बार ध्यान से रिपीट करिए, क्या बोला है, एक कार का वेलोसिटी है 126 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करता है कार का ड्राइवर, उसे ब्रेक अप्लाई करता है तो आफ्टर 200 मीटर वो रेस्ट कंडीशन में आ जाता है, तो कितना टाइम में वो रेस्ट में आएगा और कितना रिटार्डेशन होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लगा देते हैं, यू पता है, एस पता है, वी पता है, तो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें अप्लाई करते हैं, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। फाइनल वेलोसिटी इज जीरो बिकॉज इट विल बी इन रेस्ट कंडीशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 35, दैट मीन्स 35 होल स्क्वायर प्लस टू, रिटार्डेशन फाइंड करना है एंड डिस्प्लेसमेंट इज 200, दैट इंप्लाइज आगे इसको हम सॉल्व करें तो 400 ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस 35 इंटू 35, स्क्वायर को दो बार लिख दिया मैं, इधर ट्रांसफर किया माइनस हो गया, दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू माइनस 35 इंटू 35 अपॉन 400, दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू, यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके सीधा आंसर बता देता हूँ इसका आपको। -3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, मैन्युअली आप सॉल्व कर लेना, मैं कैलकुलेटर से करके बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो पढ़ाना है आपको, मैं मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन आप अपने से करिए। देखिए किसी भी न्यूमेरिकल्स में सिंप्लीफिकेशन का जो प्रोसेस है उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि हम तो आपको फटाफट कैलकुलेटर से करके बता देंगे और आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो एक आंसर ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज टाइम टेकन, कितना टाइम लेगा ये पूछता है, तो उसके हम लगाते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यदि हम इसमें अप्लाई करें तो क्या होगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इम्प्लाइज फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल इज 35, माइनस ए हमने फाइंड कर लिया 3.06 एंड टाइम टेकन ये हमको फाइंड करना है, तो टी इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो 35 अपॉन 3.06, ये भी मैं डिवाइड कर दूं कैलकुलेटर से तो मुझे मिल जाएगा 11.4 सेकंड। ये आप करते रहना डिवीजन ना, 11.4 सेकंड, दिस इज आंसर नंबर टू एंड दिस इज आंसर नंबर फर्स्ट। तो आसान क्वेश्चन है ये, गिवन है आपको, तो कार में इतना रिटार्डेशन अप्लाई करना पड़ेगा रेस्ट में लाने के लिए और आफ्टर 11.4 सेकंड इट विल बी कम इन रेस्ट। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3.6। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो साथ में लेते चलिए,
क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स के आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल्स आप खुद से करिए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इसका हम पीडीएफ दे दिए तो आपके तो गाइड हो जाएगा वो, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3.7। क्वेश्चन नंबर 3.7, धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इसमें इंक्रीज होगा। क्वेश्चन 7 रीड करिए आप बोर्ड से, मैं बुक से एक बार रीड करके आपको एक्सप्लेन कर दूं। टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन द टू पैरेलल ट्रैक विथ स्पीड ऑफ, देखो 72 किलोमीटर पर आवर है ना मीटर, इन सेम डायरेक्शन विथ हेड ऑफ बी। द ड्राइवर ऑफ द बी, देखो फिगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए मैं फिगर इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में, क्योंकि फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स है इमेजिनेशन पर है, आप उसको प्रॉपर इमेजिन कर लिए आपको समझ में आएगा। एग्जाम में आपको फिगर जरूरत नहीं है, बना भी सकते हैं बाकी नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। तो दो ट्रेन है ए एंड बी, 400 मीटर लेंथ है उसका, 72 किलोमीटर पर स्पीड है, ये है स्पीड। देखो सिचुएशन ऐसा है, एक ट्रेन ये है ए है, सपोज ट्रेन ए, इसको मैंने ट्रेन ए लिया और उसके पीछे में है एक ट्रेन बी, अभी उसके पीछे है। दोनों ट्रेन का जो लेंथ है वो 400 मीटर है, ये भी 400 मीटर का है, ये भी 400 मीटर का है। दोनों का वेलोसिटी इक्वल है, वी ए इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड वी बी इज आल्सो 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज यहाँ पर मैं चेंज करूँ कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। अभी मैं आपको समझा चुका कैसे चेंज होता है, अब भी आ गया ना 72, ये हम लोग को सब याद हो गया है कि कितना कितना डेटा वो देगा। तो दोनों का वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड है, ये सेम डायरेक्शन में है। अब क्या होता है कि ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट सिचुएशन है। अब ये बी ट्रेन का ड्राइवर चाहता है कि मैं स्पीड को इतना इंक्रीज करूं, कितना एक्सेलरेशन कि मैं इसको ओवरटेक कर लूं कंप्लीट और सिचुएशन इस तरह से हो जाए, ये जो ट्रेन ए है अब ट्रेन बी का कंडीशन ऐसा हो जाए, ट्रेन बी इस तरह से, दैट मीन्स इस ट्रेन का जो ड्राइवर है वह इस ट्रेन के गार्ड के सीध में आ जाए, दैट मीन्स इसको ओवरटेक कर ले। तो इस कंडीशन में रिटार्डेशन निकालना है और हमको ये निकालना है कि उनके बीच का जो फाइनल इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट था एस वो कितना था जिसको इसने कवर किया, मतलब कितना ये डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट को ये कवर किया, ये हमको यहाँ पर फाइंड करना है। क्लियर, मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ट्रेन्स, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि दोनों का बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अच्छा सेकंड कंडीशन में दिया है कि उसने एक्सेलरेशन कितना अप्लाई किया, एक्सेलरेशन गिवन है सॉरी क्वेश्चन में ये दिया है 1 मीटर पर सेकंड इफ आफ्टर 50 सेकंड। क्या करता है टाइम 50 सेकंड, 50 सेकंड में ओवरटेक करता है और एक्सेलरेशन अप्लाई करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डेटा गिवन है ध्यान रखना। 50 सेकंड बाद वो क्या करता है उसको ओवरटेक कर लेता है, मतलब इसका जो ड्राइवर गार्ड है इसके ड्राइवर के सीध में आ जाता है, इसी को ओवरटेकिंग बोलते हैं, और एक्सेलरेशन वो अप्लाई करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्रेन ए का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और ट्रेन बी का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और ए के डिस्प्लेसमेंट बी के डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देंगे तो हमको उनके बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा, ये हमारा मेथड है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, ट्रेन ए का डिस्प्लेसमेंट इसको मैंने कह दिया एस ए, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा वी ए और इनटू टाइम, तो ये इसका टाइम, दैट इक्वल वेलोसिटी इज 20 और टाइम इज 50, दैट मीन्स 1000 किलोमीटर, ठीक है 1000 मीटर में ना, मीटर में चेंज कर सकते अपन, इतना मीटर क्या हो जाएगा उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट
Now displacement of train B, that is suppose SB. तो अब देखो ये फर्स्ट नंबर के ट्रेन तो कांस्टेंट वेलोसिटी से है, लेकिन बी ट्रेन के ड्राइवर ने क्या किया है, एक्सलरेट किया है, अपने ट्रेन को एक्सलरेट किया है, इसलिए वो किससे निकलेगा, इस फार्मूला से निकलेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, एक्सलरेशन हो रहा है, दैट इक्वल इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 20 टाइम इज 50 प्लस 1/2 एक्सलरेशन इज 1 एंड टाइम इज 50 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो गया 1000 प्लस ये 25 में कैंसिल होगा, 25 50 हो जाएगा 1250, दैट मीन्स 2250 मीटर, ये इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ट्रेन्स ट्रेन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा s, वो हो जाएगा एस बी माइनस एस ए, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी ट्रेन माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए ट्रेन, ये हो जाएगा 2250 माइनस 1000, दैट इज 1150। ठीक है, ये 1250, दिस इज द फाइनल आंसर। तो 1250 डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच में, इतने डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने के बाद उसको क्या करेगा, वो ओवरटेक करेगा। तो ये है ये क्वेश्चन, वैसे इसको हम दो मेथड से बना सकते हैं, ये मैंने आपको बताया मेथड नंबर फर्स्ट, एक मेथड और बता देता हूँ और दोनों में से जो इजी लगा वो आप समझिए या कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि और हम इसको कैसे बना सकते हैं। इसको मैं रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड से थोड़ा इजी भी बना देता हूँ, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए देखिए, अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड बता रहा हूँ जो कि मेरे हिसाब से इसके कंपैरिजन में बहुत इजी होगा, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, मेथड नंबर टू किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि देखिए यहाँ पर दोनों ट्रेन का मोशन का डायरेक्शन सेम है, वी ए और वी बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स वी बी ए इक्वल टू 20 माइनस 20, दैट इज जीरो, का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देयरफॉर इट्स डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इंप्लाइज s इक्वल टू u इज रिलेटिव वेलोसिटी, यहां पर u क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है जो कि जीरो हो गया, ये जीरो हो जाएगा और प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इज 1 एंड टाइम टेकन इज 50 सेकंड, दैट इज 1250 मीटर, ये आंसर। देखो एक लाइन में आंसर आ गया, मैंने एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया, तो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं, यदि आप प्रॉपर मेथड लगाएंगे, दूसरे तरीके से सोचेंगे, तो सॉल्यूशन के लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो जाते हैं, कभी लेंथी बन जाता है, कभी अचानक मेरे ध्यान में आया, तो रिलेटिव वेलोसिटी से हम आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत काम का है। दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होता तो यहाँ पर जो आता उसको यहाँ पर पुट कर देते, एक लाइन में आंसर आ जाता, तो ये इजी मेथड है, वह भी रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड है, लेकिन दोनों उसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग निकाला, फिर डिस्प्लेसमेंट को माइनस किया, और इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस मेथड में मैंने डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुटअप कर दिया, तो आसान हो गया, ये देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया 1250, ये 2 25 में कैंसिल होगा, 25 इंटू 52 ये 1250 मीटर। क्लियर, दिस इज द सेकंड मेथड। तो ये हो गया 3.7 को दो मेथड से मैं बताया, आपको जो आसान लगे इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3.8 क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप पढ़िए, और ये सब जो क्वेश्चन ये बता रहा हूँ बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, 3.8 भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझिए। ऑन ए टू लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, टू कार बी सर्टेन सी अप्रोच ए कार ए
opposite direction with speed of 54 km per hour each is overtake B before C, does what minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? Very good, बहुत अच्छा question है ये. क्वेश्चन नंबर 3.8 का स्टेटमेंट आप बोर्ड से अगेन एंड अगेन रीड करिए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या है. देखिए मैं आपको यहाँ फिगर के से समझा रहा हूँ. एक अपने पास ये सपोज टू लेन रोड है. टू लेन रोड में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मैंने रेड इंक से दोनों लेन को अलग अलग कर दिया ये. अब इस टू लेन रोड में एक कार है, सपोज यहाँ पर एक कार है, ये मैंने कार का पोजीशन बनाया, इसका डायरेक्शन ये वेलोसिटी का, ये कार ए है और इसका वेलोसिटी है वी ए. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी ए, वहाँ भी लिख दूंगा उसके डेटा को. वी ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 36 किलोमीटर पर आवर. देखिए इसको फिर चेंज करना पड़ेगा, 36 किलोमीटर पर आवर, दैट इक्वल 36 इंटू 5 अपॉन 18 टू जा, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकंड. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस कार. तो एक कार यहाँ पर है और इसका वेलोसिटी मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 10 मीटर पर सेकंड. क्लियर. अब क्या है, एक कार यहाँ पर है, एक दूसरी कार मैं यहाँ रेड इंक से बनाया, ये कार बी है और इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इसको हमने कह दिया वी बी. वी बी कितना गिवन है, वी बी और इधर है वी सी. यहाँ पर भी एक कार है, ब्लू इंक से इसको बना रहा हूँ मैं, सपोज इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है सी और इसका वेलोसिटी है वी सी, और वी बी और वी सी इक्वल है. वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू 54 इंटू, मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ, 54 अपॉन 5 अपॉन 18, दस मीन थ्रीजा, और ये हो जाएगा 5 थ्रीजा 15 मीटर पर सेकंड. क्लियर. तो वी बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 15 मीटर पर सेकंड ये. अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इच 1 किलोमीटर डिस्टेंस. यहाँ पर क्या है, ये जो ए का पोजीशन है, यहाँ से मैं फिगर में यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये ध्यान देना, ये इसका मिड पॉइंट है और यहाँ से ये 1 किलोमीटर है, दैट मीन्स 1000 मीटर पर ये कार है, मतलब ये मिड पोजीशन में है, और 1000 किलोमीटर पर ये दूसरी कार है जो हम सामने से आ रही है. सिचुएशन को ध्यान समझना, ये बेस्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बी कार 1000 मीटर के डिस्टेंस पर है ए से, और सी कार भी 1000 के डिस्टेंस पर है. अब बी कार का ड्राइवर क्या करता है, इस तरह से आपने नेशनल हाईवे वगैरह में सिचुएशन देखा होगा, जब हम कार्स ओवरटेक करते हैं तो आपने देखा होगा. तो फिजिक्स का टीचर है, फिजिक्स के स्टूडेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग वो देखता है. सपोज मैं इस कार को ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा ए को मेरा ओवरटेक कर रहा है, फिर मेरे को पता चलेगा मेरे लेन से एक कार और आ रही है, तो मैं अपने स्पीड को कैसे मेंटेन करूँ कि सेफली मैं सुरक्षित इससे ओवरटेक करके आगे निकल जाऊं. तो कार बी का ड्राइवर कैलकुलेट करना चाहता है कि मैं अपने कार के एक्सेलरेशन को कितना रखूं, अपने कार के एक्सेलरेशन को कितना रखूं कि कार सी के ए के पास पहुंचने से पहले, कार सी ए के सामने आएगा उससे पहले मैं यहां से आगे निकल जाऊं, ये हमको कैलकुलेट करना है. तो यह रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है और हम एक एक करके रिलेटिव वेलोसिटी इसका निकालते जाते हैं. तो सबसे पहले देखो इसको, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए. हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स वी बी ए. वी बी ए पहले निकाल लेते हैं. तो वी बी ए कैसे निकलेगा, ये निकलेगा वी बी माइनस वी ए, दैट इम्प्लाइज वी बी का वैल्यू कितना है, वी बी का वैल्यू है 15. ये हो जाएगा 15 माइनस वी ए इज 10, दैट इक्वल 5 मीटर पर सेकंड. ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब वी बी ए इतना लगेगा. और अब निकाल लेते हैं अपन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी सी, सी विथ रेस्पेक्ट टू ए. तो वो सामने से आ रही है तो उसका वेलोसिटी एड हो जाएगा, दैट मीन्स वी सी ए इक्वल टू हो जाएगा वी सी प्लस वी ए,
that equal VC is 15 and this is thus 10, that means 25 meter per second. This is the relative velocity of C with respect to A. अब हम यहाँ पर ये निकाल लें कि जब ये C जो कार है A तक पहुँचेगा तो यहाँ तक पहुँचने में वो कितना टाइम लेता है, क्योंकि उतना ही टाइम फिर ये भी लेगा, क्लियर। तो उस कंडीशन में हम टाइम निकालें तो देयर फॉर टाइम टेकन, डिस्टेंस अपने को पता है, वेलोसिटी भी पता है, तो देयर फॉर टाइम टेकन ऑफ कार सी, कार सी का टाइम टेकन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 1000, क्यों, क्योंकि 1000 किलोमीटर के 1000 मीटर सॉरी मीटर है ना, 1000 मीटर के डिस्टेंस पर है ये, और वेलोसिटी दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी को क्यों हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी से आमने सामने आ रहे हैं, तो 25 डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 4000, दैट मीन्स 40 सेकंड। तो टाइम टेकन हो गया कितना, 40 सेकंड। अब इस 40 सेकंड में भी ये आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 40 सेकंड लगेगा, तो 40 सेकंड से पहले अपने एक्सेलरेशन को कितना इंक्रीज करे कि वह वहाँ पर पहुँच जाए। और देयरफॉर बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम टेकन पता है तो थर्ड नहीं सेकंड लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, डिस्प्लेसमेंट इज 1000, क्योंकि 1000 डिस्टेंस, ये भी 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके एक आर तक पहुंचेगा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसका, इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाला है इसका कितना, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी यूज़ करेंगे ना, मतलब 5, सब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ही यूज़ करेंगे, क्योंकि सब मोशन में है, रेस्ट में कोई नहीं है, तो हो जाएगा 5 और इनटू टाइम टेकन इज 40 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, यही फाइंड करना है, और टाइम टेकन इज 40 का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज ये 200 हो गया, 200 इसके साथ आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 800 इक्वल, यहाँ पर 40 में एक 2 माइनस हो के कटेगा तो 20 होगा, तो 40 × 20 ये हो जाएगा 800 A, दैट इम्प्लाइज 800 कैंसिल होंगे, A इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर कार बी। इस तरह से आंसर क्या आया कि कार बी का जो ड्राइवर है, ये कार बी का जो ड्राइवर है वो अपने कार को यदि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करे तो ये जो कार है वो सी कार के ए के पास पहुंचने से पहले इसको पार कर लेगा, क्लियर। तो ये बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन NCERT में ही मिलेंगे आपको, रेयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। यदि आपका रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं तो आप अदर बुक्स से भी क्वेश्चन कंसल्ट करेंगे तो इसके बेस पर आप क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, आपको ध्यान देना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस टाइप के आप बहुत से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन सपोज आपने कुछ लिमिटेड क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया है तो वही क्वेश्चन बस बनेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए आपका फोकस क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए कि हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को ऐसा बना रहे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.9, क्वेश्चन नंबर 3.9, स्टेटमेंट आप रीड करिए। थ्री पॉइंट नाइन का स्टेटमेंट आप थोड़ा ध्यान से समझो। टू टाउन्स एंड बी आर कनेक्टेड बाई ए रेगुलर बस सर्विस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 3.9 ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ए ट्रेन साइकिल्स इन द डायमंड डायरेक्शन, देखो आप क्वेश्चन रीड करो, मैं आपको सिचुएशन इसको बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन रीड करिए और क्वेश्चन के बेस पर मैं इसके सिचुएशन को आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर टू सिटी है, विलेज है, कुछ भी कह सकते हो, सपोज ये ए शहर है
ये बी है। और इसमें क्या फैसिलिटी है शहर से कि यहाँ से रेगुलर बस सर्विस है ए से बी के लिए और बी से ए के लिए भी। और इस सर्विस की खासियत क्या है कि हर टी मिनट पर, हर आफ्टर टी मिनट पर एक बस यहाँ से यहाँ के निकलती है और टी मिनट पर यहाँ से निकलती है बस, ठीक है। अब सपोज बस की वेलोसिटी को हमने सपोज कर लिया वी बी, ये वी बी हमने सपोज कर लिया और आफ्टर टी टाइम एक बस वहाँ से निकलती है। अब एक साइकिलिस्ट जो है, साइकिल चलाने वाला, वो क्या करता है, ये सपोज साइकिलिस्ट है, वो ए से बी के तरफ चलता है और अपना वेलोसिटी वो मेंटेन करता है वी सी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। डेटा देख लूँ किस में दिया है, मीटर की 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, खूब स्पीड से चलाने वाला साइकिलिस्ट है ना वो, किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर से हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन हमको पूछता है, अच्छा एक डेटा और दिया हुआ है कि ये जो बस इधर से जाती है वो आफ्टर 16 मिनट में ये इसको पार करती है, मतलब आफ्टर 16 मिनट एक बस उस साइक्लिस्ट को पार करके निकल जाती है जो इधर से जाती है, और जो बी से ए जाती है वो 6 मिनट में साइक्लिस्ट को पार करती है, हर 6 मिनट में। थोड़ा सिचुएशन ध्यान समझना, जैसे स्टेशन ए से बस स्टॉप से निकलते जा रही है तो 16 मिनट बाद ये साइक्लिस्ट को रास्ते में मिलता है उसको पार कर लेती है, फिर 16 मिनट में एक और बस पार कर, फिर 16 मिनट में एक और बस पार कर लेती है। लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन से आती है वो हर 6 मिनट में उस साइक्लिस्ट को पार करती है, ये सिचुएशन है। बेस्ट रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलता हूँ कि इसके जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी छोड़ के, ये स्पेशल कलेक्शन एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है और किसी राइटर ने लिखा है, दैट मीन्स यहाँ से कॉपी किया, फिर रिफरेंस लिखेगा फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। और इसके बाद हमको ये पूछा है कि कितने टाइम में एक बस यहाँ से निकलती है ये बताओ, और जो बस निकलती है उसका वेलोसिटी कितना होता है, कितने वेलोसिटी से वो ट्रेवलिंग कर रहा है फ्रॉम ए टू बी या फ्रॉम बी टू ए। तो टू पार्ट में अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, हम सबसे पहले फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी के लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी अपन निकालें तो क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो सेम डायरेक्शन में हम माइनस करते हैं, तो उस कंडीशन में हो जाएगा क्या, वी बी माइनस 20, 20 इज द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, तो ये हो जाएगा। देयरफॉर अब टाइम कितना टाइम लेता है वो, 16 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है 16 मिनट ट्रेवल, एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, डेटा 18 ही है। अब हम निकाल लेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल इन 18 मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल इन 18 मिनट बाई बस, बाई दिस बस, तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बी माइनस 20 इंटू 18, और ये मिनट को आवर में चेंज करेंगे क्योंकि सब आवर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें 60 डिवाइड कर देंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 18 मिनट हो गया। अब हम इसमें निकाल लेंगे अगेन डिस्टेंस ट्रेवल इन टी मिनट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि टी मिनट में वो एक बस वहाँ से निकलती है, तो टी मिनट में कितना उसको डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, उसका वेलोसिटी कितना है वी बी, और टाइम है टी मिनट को अपन सेकंड में आवर में चेंज करेंगे, 60 डिवाइड करेंगे। ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना,
ये साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में है 18 मिनट में, लेकिन टी मिनट में एक बस वहां से निकलती है तो टी मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? डिस्टेंस ट्रेवल इन टी मिनट इज दिस, देयर फॉर, और दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हर 18 मिनट में उसको पार कर रहा है, तो देयर फॉर ये हो जाएगा वी बी माइनस 20 इंटू 18 अपॉन 60 इक्वल टू वी बी इंटू टी अपॉन 60। इसको सिंप्लीफाई करें, दोनों 60 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वी बी माइनस 20 इंटू 18 इक्वल टू वी बी इंटू टी, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी के लिए हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब हम निकालते हैं फ्रॉम बी टू ई, बी टू ए, फ्रॉम स्टॉप बी टू ए। अब बी से ए की तरफ जो ट्रेन जाती है, बस जाती है, उसके लिए हम निकालें तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इज, इस डायरेक्शन में जाने के लिए किधर, बी से ए के, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो वेलोसिटी ऐड हो जाएंगे, दिस इज 20 प्लस वी सी, वी सी को पहले लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा, वी सी, और वी सी क्यों, दोनों का वेलोसिटी तो सेम है ना, बस का वेलोसिटी है वी बी प्लस 20, वी बी प्लस 20, देयर फॉर डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 मिनट, क्योंकि इधर से जो बस उसको पार करती है 6 मिनट में पार करती है, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हो जाएगा वी बी प्लस 20 इंटू 6 अपॉन 60, जैसे यहाँ पर 18 अपॉन 60, 6 अपॉन 60 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे क्या, जो ऐसे यहाँ पर निकाला था हमने, अगेन डिस्टेंस ट्रेवल इन टी मिनट, देयर फॉर डिस्टेंस ट्रेवल इन टी मिनट फ्रॉम बी टू ए। अब ये कैलकुलेशन फ्रॉम बी टू ए है, ये मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, ध्यान रखना, पहला कैलकुलेशन फ्रॉम ए टू बी है और सेकंड कैलकुलेशन फ्रॉम बी टू ए, ये सिचुएशन को ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, दैट इक्वल वी बी इंटू टी अपॉन 60, टी अपॉन 60 ये होगा। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, देयर फॉर वी बी प्लस 20 इंटू 6 अपॉन 60 इक्वल टू वी बी इंटू टी अपॉन 60 कैंसिल होंगे, तो हो जाएगा वी बी प्लस 20 इंटू 6 इक्वल वी बी इंटू टी, रिलेशन नंबर सेकेंड। अब रिलेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे, रिलेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करने के लिए हम क्या इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, देयरफॉर रिलेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने को क्या मिलेगा, वी बी माइनस 20 इंटू 18 अपॉन वी बी प्लस 20 इंटू 6, और वी बी इंटू टी, ये भी वी बी इंटू टी कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा 1। दैट इम्प्लाइज यहाँ से सॉल्व करें तो 3 जा कैंसिल होगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 वी बी माइनस 60 इक्वल ये हो जाएगा वी बी प्लस 20, दैट इम्प्लाइज ये ट्रांसफ़र कर दें तो 2 वी बी इक्वल टू ये हो जाएगा 80, देयर फॉर वी बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ये एक आंसर मिल गया अपने को कि यहाँ से जो बस निकलेगी, मतलब यहाँ से जो बस निकलती है उसका वेलोसिटी कितना होता है, 40 मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम, कि कितने टाइम इंटरवल के बाद एक बस निकलती है, तो वी वी का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं अपन, कहाँ पुट कर दें, जो इजी इक्वेशन है वहाँ पर पुट अप कर देते हैं, यही कर देते हैं, तो फ्रॉम थर्ड, ये थर्ड में मैं वी वी का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, वी वी 60 रखूँगा प्लस 20 तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 20 80, ठीक है, तो ये हो गया 80 इंटू 6 को मल्टीप्लाई भी नहीं करता, बाद में कर लूँगा, ये भी कितना है 40 और इंटू टी ये हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज यहाँ से सॉल्व करें तो 40 टू जा तो ये 12, टी इक्वल टू हो जाएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, 6 टू जा 12 मिनट। एक बार बुक से आंसर टेली करें अपन, वेलोसिटी ऑफ द बस इज
velocity of the bus is 40 किलोमीटर पर, टाइम टेकन इज 9 मिनट, 9 मिनट आंसर मुझे ध्यान था 9 आएगा। देखो क्वेश्चन 3, वी बी प्लस 20 इंटू 6 इक्वल टू वी बी इंटू टी, यहाँ पर यदि हम वैल्यू पुट अप करें 40 तो यह हो जाएगा, अरे सॉरी ये 60 होगा ना, यहाँ पर मैं 40 वैल्यू पुट अप करूँगा तो 40 प्लस 20 कितना होगा 60, हड़बड़ी में लिख दे मैं, ये 60 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें यहाँ पर टाइम, तो टाइम इक्वल टू 60 इंटू 6 अपॉन 40 कर लिया, चलो ठीक है, ये 0 0, 2 2 जा, 2 3 जा एंड 2 3 जा, दैट मीन्स टी इक्वल टू 9 मिनट, आंसर मुझे याद है 9 मिनट आना चाहिए ये, तो 9 मिनट, आफ्टर 9 मिनट इच बस इज रिलीज फ्रॉम स्टेशन बी और स्टेशन ए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देना, ये रिलेटिव वेलोसिटी का सिचुएशन आपको ध्यान में रखना है। तो इस एक्सरसाइज का ये बेस्ट क्वेश्चन में इसको मैं काउंट करता हूँ 3.9 क्वेश्चन को, इसको अच्छे से आप तैयार करना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 4 पार्ट दिया हुआ है, जिसमें के शुरू के 3 पार्ट हैं वो तो ओरल आंसर है, क्वेश्चन आंसर टाइप का दिया है, उसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका जो 4th पार्ट यही कैलकुलेशन करना है और वो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन 10। देखिए कॉन्सेप्ट मैं इस क्वेश्चन में आपको ये बता दूँ कि सपोज ये ग्राउंड है और ग्राउंड से यदि हम किसी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं, सपोज मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से अपवर्ड थ्रो किया, इसी क्वेश्चन को ले लें तो u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर दिया हुआ है 29.4 मीटर पर सेकंड, 29.4 मीटर पर सेकंड से हमने किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया। अब जब ये मैक्सिमम हाइट में जाएगा, यह है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट में इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट में जाने के बाद बॉडी रेस्ट कंडीशन में आ जाता है और यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर ये डाउनवर्ड काम करता है, क्लियर, ये ध्यान, ये सब पूछा है पाँच फर्स्ट पार्ट सेकंड में। और यहाँ पर सपोज ये हाइट ट्रेवल है कैपिटल एच, दिस इज मैक्सिमम हाइट, एक कॉन्सेप्ट ये। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि सपोज यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टी टाइम लगता है, सपोज टाइम टेकन इज टी, देन ड्रॉप होने में भी टी टाइम लगता है, दैट मीन्स टोटल टाइम कितना हो जाता है 2t, ये ध्यान रखना, मतलब ये सब इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हैं। ये कि यदि किसी पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया जाए तो मैक्सिमम हाइट में जाने के बाद बॉडी रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है, दैट मीन्स इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। इफ टाइम टेकन इज टी, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ऑल्सो टी एंड हाइट इज सपोज एच। तो ये इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब इसका आंसर है कॉन्सेप्ट का। और हम इसके 4th पार्ट को सीधा कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमको बोला है टू व्हाट हाइट डज टू बार राइज एंड टाइम टेकन, कितने हाइट में जाएगा। तो हाइट निकालने के लिए देखो हमारे पास जी पता है, यू पता है, वी पता है, तो कौन सी इक्वेशन लगा लें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यदि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हियर फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज 29.4 होल स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि अपवर्ड जाते हैं तो ग्रेविटेशन डाउनवर्ड होता है, 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट इज सपोज h, देयरफॉर h इक्वल टू हो जाएगा 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 19.6। इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको आंसर बता देता हूँ सीधा, 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 2 इंटू 19.6 44.1, ये आप ध्यान रखना 45.1 मीटर। ये सब कैलकुलेशन आप लोग अपने से कर लीजिए, ये मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कैलकुलेटर से। तो इसका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा 24.1। अब पूछा है टाइम टेकन कि कितने देर में ऊपर जाएगा और कितने देर में ऊपर से जाके नीचे आएगा,
तो नेक्स्ट कैलकुलेशन टाइम, यदि हम यहाँ टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं नाउ बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हम लगा दें तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, दैट इम्प्लाइज फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल इज 29.4 माइनस 9.8 एंड टाइम इज t, देयर फोर t इक्वल टू 29.4 अपॉन 9.8, इसको सॉल्व करें ये 3 सेकंड आएगा, ये 3 सेकंड इसका टाइम हो जाएगा, तो 3 सेकंड में ये अपवर्ड जाएगा, देयर फोर टोटल टाइम टेकन फ्रॉम रीचिंग ग्राउंड, ग्राउंड में तो 3 सेकंड में ऊपर 3 में नीचे, दैट मीन्स 6 सेकंड इज इट्स फाइनल आंसर। तो दो क्वेश्चन से पूछा है कितने हाइट तक पहुंचेगा, तो 44.1 मीटर हाइट तक पहुंचेगा और ऊपर जाके दोबारा ग्राउंड में कितने देर में गिरेगा, 6 सेकंड में ये वापस गिरेगा, ये ध्यान रखना ठीक है, 6 सेकंड। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज में बहुत हैं, पूरे क्वेश्चन कराऊँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो यहाँ पर मैं इस न्यूमेरिकल को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था, इसके जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं 4-5 क्वेश्चन और हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, सब के सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है इसमें, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा, इसको आप अच्छे से रिविजन करिए और न्यूमेरिकल्स के लिए आप इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। ओके, थैंक यू।